नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधि छात्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष सचिन सुरता के नेतृत्व में आज ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति आर के एस धाकरे को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष सचिन सुरता ने बताया कि ज्ञापन के जरिए आज एलएलएम में प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र चालू करवाने की मांग की गई है। विगत 3 महीने से कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन से एलएलएम में प्रवेश प्रक्रिया चालू करवाने के लिए विधि छात्र संघर्ष समिति द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार व्यक्तिगत मिलकर एवं पत्रों के माध्यम से एलएलएम में प्रवेश प्रारंभ करने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एलएलएम में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आज जब कुलपति महोदय मिलकर एलएलएम में प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया तो कुलपति महोदय ने 1 माह का समय मांगा है। विधि छात्रों का कहना है कि अगर एलएलएम को चालू नहीं किया गया तो विधि विद्यार्थियों का 1 साल का सत्र 2020 से 2021 खराब हो जाएगा, क्योंकि ब्रज विश्वविद्यालय ने एलएलबी अंतिम वर्ष का अभी परीक्षा परिणाम कोरोना के चलते लेट जारी किया था। जब तक परीक्षा परिणाम जारी हुआ तब तक राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों को एलएलएम कराते हैं, उनमें प्रवेश प्रक्रिया बंद हो चुकी थी, इसलिए विधि छात्रों में इस विषय को लेकर बेहद रोष व्याप्त है। विधि छात्रों ने कहा कि अगर 1 महीने में एलएलएम को चालू नहीं किया गया तो छात्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर नटवर सिंह राजपूत, पुष्पेंद्र सिंह, धनेश कुमार, धर्मेंद्र चिकसाना, टिकेंद्र नैनीवाल, सत्यवीर सिंह, विष्णुकांत शर्मा, सचिन फौजदार मौजूद रहे। आज विधि छात्र संघ संघर्ष समिति के तत्वाधान के अंदर हम लोग ब्रज विश्वविद्यालय में बीसी साहब से मिले। बीसी साहब से हमें 3 महीने से लगातार मिल रहे हैं बीसी साहब से, लेकिन बीसी साहब हमें का सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 महीने में चालू होगी, 3 महीने में चालू होगी। आज भी हमें फिर आज हमने जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन में हमने लिखा कि आप हमें एलएलएम के बारे में बताइए कि एलएलएम चालू आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आज भी हमें आश्वासन दे दिया, एक महीने का आश्वासन दे दिया ओनली सिलेबस के लिए। वो कह रहे हैं कि सिलेबस हम डिक्लेयर करेंगे पहले, उसके बाद एडमिशन। हमने उनसे एक बात और कही, आप एडमिशन लीजिए उसके बाद आप सिलेबस होता रहेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें एक महीने का आश्वासन दिया। अगर 1 महीने के अंदर बीसी साहब एलएलएम को चालू करते हैं तो ठीक है, नहीं आगे विधि छात्र संघर्ष समिति के साथ में हम यहाँ आंदोलन करेंगे। फिर आंदोलन की जिम्मेदारी हम पे नहीं होगी, सिर्फ बीसी साहब पे होगी। जय भारत। आज विधि छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष सचिन सुरता के नेतृत्व में माननीय ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय साहब को एलएलएम प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए हमने पुनः ज्ञापन दिया है। पिछले 3 महीने से हम लगातार उनसे कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल भी चुके हैं। माननीय हमारे राज्य एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जो हैं सुभाष गर्ग जी से भी हमने इस विषय में निवेदन किया था, तो उन्होंने भी इसी साहब को फ़ोन पर एलएलएम प्रवेश प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए सूचित किया था। और उसके बाद बीसी साहब अभी जो है सिलेबस के लेकर के मतलब स्टार्ट करने के लिए कह तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे प्रॉपर तरीके से, और टाइम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। देखना यह है कि बीसी साहब एलएलएम की प्रक्रिया को कब तक स्टार्ट करेंगे। अगर उन्होंने जल्दी इस प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े या और विरोध प्रदर्शन करना पड़े, वहाँ हम अपनी तरफ से करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि बीसी साहब और प्रशासन हमारा सहयोग करे और एलएलएम की प्रवेश प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। धन्यवाद। आज विधि छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले हमने ब्रज विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं उनको एलएलएम चालू कराने के संदर्भ में ज्ञापन दिया है, और इस संदर्भ में हम पिछले 3 महीने से विश्वविद्यालय प्रशासन से बार बार अनुरोध कर रहे हैं। और इस मैटर को लेकर हम भरतपुर विधायक आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, जो अभी तकनीकी शिक्षा के मंत्री हैं, उनको भी अवगत करा चुके हैं, और उन्होंने भी एलएलएम चालू कराने के लिए पॉजिटिव रुख अपनाते हुए कुलपति महोदय को भी निर्देश दिए हैं कि एलएलएम को चालू कराया जाए। इसके बावजूद अभी तक एलएलएम चालू नहीं कराई गई है। आज हम बीसी साहब से मिले हैं तो कुलपति बीसी साहब ने हमसे 1 महीने का टाइम मांगा है कि अभी 1 महीना और लगेगा एलएलएम चालू करने में, कि हम अभी सिलेबस तैयार कराने में लगे हुए हैं। अब छात्रों के सामने विडम्बना यह है कि राजस्थान की अन्य यूनिवर्सिटियों में एलएलएम के प्रवेश बंद हो चुके हैं, क्योंकि ब्रज यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट लेट निकाला था और ब्रज यूनिवर्सिटी एलएलएम में प्रवेश चालू नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में छात्रों का ये सत्र जो है 2020 से 2021 ये 1 साल के खराब होने के कगार पर है।
अगर ब्रज विश्वविद्यालय एलएलएम में प्रवेश नहीं लेता है तो विधि छात्र छात्राओं की यह एक साल खराब हो जाएगी। तो विधि छात्र छात्राओं में इस बात को लेकर बहुत बड़ा रोष है। अगर एलएलएम को चालू नहीं किया गया तो विधि छात्र छात्रा आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।